गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर एट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर एट, इसमें आपको पढ़ना फ्रैक्शनल नंबर। पहले आपको ये पता होना चाहिए फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं। तो फ्रैक्शनल नंबर आपने पहले भी पढ़े होंगे। फ्रैक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, कोई भी हमारा फ्रैक्शन हो इसको हम डिनोट करते हैं आपसे। और क्या होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। जैसे आपको गिवन है न्यूमरेटर दे रखा है 3, डिनोमिनेटर दे रखा है 5, तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्या होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो 3/5। सेकेंडली हम फिगर के बेस पे समझें। जैसे आपको गिवन है इसका एक पार्ट आपको शेडेड कर रखा है, छाया डाल रखी है एक पार्ट पे, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो। तो देखो टोटल इसके 4 इक्वल पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें से एक पार्ट पे क्या कर रखी है शेडो डाल रखी है, तो क्या हो जाएगा 1/4। टोटल 4 हैं, 4 में से एक पार्ट पे क्या कर रखी है शेडो। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ ए टोटल 4 पार्ट, एक पार्ट शेडेड कर रखा है टोटल 4 पार्ट में से। इसी तरह कोई भी फिगर दे दे आपको, आप बता सकते हो। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 इंडिकेट्स दैट 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ डैश पार्ट्स। 1/4 का मतलब क्या होता है कि एक पार्ट है वो शेडेड है कितने पार्ट्स में से, आउट ऑफ 4 पार्ट्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट है 3/8 इंडिकेट्स दैट 3 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ टोटल डैश पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स एडेड है कितने पार्ट्स में से, 8 पार्ट में से, तो क्या आ जाएगा टोटल 8 पार्ट्स। नेक्स्ट है 2/9 इंडिकेट्स दैट डैश पार्ट इज आर सेडेड आउट ऑफ टोटल 9 पार्ट्स। तो कितने पार्ट इसमें सेडेड है 9 पार्ट्स में से, तो 2 पार्ट्स आर सेडेड आउट ऑफ 9 पार्ट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन ऑफ सेडेड पोर्शन। आपको फ्रैक्शन लिखनी है, ये कुछ सेडेड पोर्शन दे रखे हैं। तो देखो फर्स्ट जो फिगर है इसमें समझो कितने पार्ट्स हैं इसमें। टोटल हम पहले पार्ट काउंट करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है टोटल। इसमें से शेडेड पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या आ जाएगा 5/8। नेक्स्ट है कितने पार्ट है, पहले टोटल पार्ट हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 हैं। इसमें से कितने पार्ट शेडेड हैं, तो 1, तो क्या आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट है पहले हम टोटल पार्ट काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल पार्ट 6 हैं, उसमें से 1 पार्ट शेडेड है, तो क्या आ जाएगा 1/6। इसमें कितने पार्ट है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पार्ट हैं टोटल, उसमें से 3 पार्ट शेडेड हैं, तो क्या आ जाएगा 3/7, यानी कि 3 पार्ट आर शेडेड आउट ऑफ टोटल 7 पार्ट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन यूजिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको फ्रैक्शन लिखनी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है। जैसे फर्स्ट है इसी का फर्स्ट, थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट न्यूमरेटर दे रखा है 1 और डिनोमिनेटर दे रखा है 3, तो हमारी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी। मैंने पहले भी आपको समझाया है फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, यानी कि n बाई डी। तो n हमारा क्या है 1 और d क्या है 3। इसी तरह क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर 4 दे रखा है और डिनोमिनेटर 7, तो हमारी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 4/7। सिमिलरली 11/15, 21/37, और इसमें क्या आ जाएगा न्यूमरेटर 101 दे रखा है और डिनोमिनेटर 111 दे रखा है, तो 101/111। सिमिलर इसी में आ जाएगा 237/301। तो एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, तो समझ में ना आए तो पूछ लेना।